पेडिस्टल फैन तो हमने खरीद लिया सही में, लेकिन इसको इंस्टॉल कैसे करना है भाई? क्या ये बहुत हार्ड है? आपका मन में शायद यही सवाल है, इसलिए आप इधर आए हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम है संदिक्षण दास और मेरे चैनल पे आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं मेरा नया फराटा फैन जो है हैवेल्स की ओम इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। आपका अगर यही फैन है तो अच्छा, और दूसरे कोई भी फैन है तो भी अच्छा, आप देख सकते हो क्योंकि हर पेडिस्टल फैन की इंस्टॉलेशन प्रोसेस करीब करीब एक ही जैसा होता है। आप अगर मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए। अगर आप ये और फिर किसी भी फैन या पेडिस्टल फैन खरीदना चाहते हैं तो मेरे नीचे वाला जो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है उससे खरीदे ताकि मेरे चैनल का सहायता हो। तो चलिए जी, जल्द जल्दी इंस्टॉलेशन इसको शुरू करते हैं। का मेटल टेलीस्कोपिक रॉड है, इधर मेटल बेस है, फैन केज गार्ड, मोटर और ब्लेड जो है सब कुछ मैंने बॉक्स से निकाल लिया है। और ये सभी चीजें आपको किसी भी पेडेस्ट्रियल फैन में करीब करीब मिल जाएगा इंस्टॉल करने के लिए। सो सबसे पहले तो फैन का जो बेस है उसके साथ ऊपर का जो टेलीस्कोपिक रॉड है उसको अटैच करना होगा, और इसलिए बेस के साथ दिया हुआ जो स्क्रू उसके जरिए आप रॉड का निचले हिस्सा अटैच करना है। और फिर अटैच करने के लिए उसको जो स्क्रू है उसको 1x1 लगाइए। लगाने के बाद उसको टाइट कर दीजिए ताकि उसका जो स्टैंड है चलने के वक्त लूज ना हो जाए बाद में, ठीक है? तो किसी किसी फैन में जिसका बेस और ऊपर बहुत हल्का होता है वो सिर्फ एक ही स्क्रू रहता है, तो डिपेंड करता है फैन के ऊपर। और बाद में नट को टाइट करने के बाद आपको दिख रहे हो इधर जो बेस का जो कवर है उसको कवर कर दीजिए। इसके बाद बीच में जो टी नॉब आपको दिखाई दे रहा है उसको लूज और टाइट करके आप इस जो टेलीस्कोपिक रॉड है उसको हाइट बढ़ा और घटा सकते हो कुछ इस तरह से। नेक्स्ट इसका जो जान है मोटर, इसका फराटा मोटर, उस टेलीस्कोपिक जो रॉड है उसके साथ अटैच करना है। इसलिए रॉड के एकदम ऊपर 3 स्क्रू होल दिख रहा है आपको, और स्क्रू होल दिया गया है और फैन के मोटर के जो रॉड है उसके साथ भी 3 स्क्रू होल है। तो इसका मोटर भारी है और लगाने के समय धीरे धीरे आराम से लगाइए क्योंकि हाथ से गिरेगा तो आपको चोट आ सकता है या फिर मोटर डैमेज हो सकता है, तो कृपया ध्यान दीजिए उस वक्त। तो उसके बाद मोटर का जो हिस्सा रॉड में घुसा के दोनों स्क्रू होल को एडजस्ट करके आप जो स्क्रू है उसको टाइट करिए, फिर आप रेंच या फिर कोई प्लस से फिर जोर से इसको टाइट कीजिए ताकि जो चलने की वक्त कोई वाइब्रेशन क्रिएट ना कर पाए, अगर लूज हो तो ऐसा ही वाइब्रेशन क्रिएट करेगा बाद में। तो इसका बेस रॉड और मोटर वाला पोर्शन कहीं मीड में इंस्टॉल हो गया है और अटैच हो गया है एक दूसरे के साथ। अब इसका जो मेटल केज गार्ड रहेगा वो आपको इंस्टॉल करना है। ये आप देख रहे हो मेरा हैवेल्स का स्टील से बना हुआ मेटल केज गार्ड का 2 हिस्सा, एक पहला वाला और एक पिछले वाला। पहला वाला को छोड़ के पिछले वाला जो है उसको पहले इंस्टॉल करना है, इसलिए मोटर के साथ आपको शायद दिख रहा है कि 4 स्क्रू विद वॉशर दिया हुआ है। तो सबसे पहले वॉशर और नट के निकाल दीजिए और उसके बाद मेटल जो केज है उसको धीरे धीरे मोटर के ऊपर जो स्क्रू है वहां पर बिठा दीजिए अलाइन करके। एक बार फिर से चेक कीजिए कि ठीक तरह से बिठा है नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस में कोई एक प्रोसेस ठीक तरह से अलाइन ना हो तो फिर पोजीशन गलत हो जाएगा, बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाए। फिर इसका जो नट एंड वॉशर है जो निकले थे हम लोग, तो उसको लगा दीजिए और अच्छे से टाइट कीजिए और मेक श्योर ये अच्छे से टाइट हुआ है, जो केज है वो अच्छे से फिट हो गया है पिछले वाला। इसके बाद बारी है इसका पंखा का जो ब्लेड है वो लगाने का। तो ये है इसका मेटल ब्लेड और इस ब्लेड को मोटर का जो रॉड है उसके साथ अच्छे तरह से अटैच करना होगा। पहले ब्लेड का पोजीशन ठीक ऐसा ही रहेगा, इसलिए थोड़ा आपको आपका जो मैनुअल बुक दिया हुआ है उसको आप चेक करना पड़ेगा ताकि आपको समझना है कि कौन सा साइड ब्लेड का ऊपर रहेगा, कौन सा ब्लेड का साइड पीछे में रहेगा, क्योंकि हर फैन में अलग अलग डिजाइन होता है, अलग अलग पोजीशन रहता है। इसके बाद ठीक जगह पे ब्लेड बिठा के आपको जो स्क्रू है इसका 2 स्क्रू इसको टाइट करना है, और इसके बाद जो इसका ब्लेड का रॉड में जो पिन है वो पिन आपको पिन होल में घुसा के टाइट कर देना है। बस वो पिन इसलिए दिया हुआ है ताकि नट अगर किसी वक्त लूज हो जाए तो उसको निकल ना जाए। फिर इसका बारी है इसका अगले वाला जो केज है उसको लगाना, इसलिए पिछले वाला जो केज है उसके ऊपर जो कवर रिंग लगा हुआ है उसका जॉइंट में जो स्क्रू है उसको लूज कीजिए
और थोड़ा सा बाहर निकाल के सामने वाला केज को उसके ऊपर बिठाए ताकि वो पिछले वाला केज के और कवरिंग के जो चैनल है उसके साथ अलाइन रहे और वो ठीक तरह से फिट हो जाए। एंड ऑलवेज बी केयरफुल कि ठीक तरह से ये लगा है और आप जो कवरिंग है उसका स्क्रू है जो बिठा के स्क्रू को टाइट कर दीजिए और टाइट करने के बाद दो हिस्सों एक साथ अटैच हो जाएगा। अगेन फाइनली मेक श्योर कि इसका ब्लेड किसी भी पकड़ से मेटल का जो केज है उसको टच नहीं कर रहा है। अगर टच कर रहा है तो जल्दी जल्दी उसको फिर से ठीक कीजिए वरना बाद में जब चलेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हो गया पूरा इंस्टॉलेशन और पंखा हैवेल्स रेडी है चलने के लिए। और इसके पीछे आप देख सकते हो इसका रेगुलेटर लगा हुआ है जिसको ऑफ लो मीडियम हाई एंड ऑफ किया जा सकता है सिर्फ। तो चलो देखते हैं इसका हवा कैसा है कैसे चल रहा है। 1 2 3 ये हो गया पंखा चालू। ये फराटा फैन है और इसका हवा बहुत ही बढ़िया है। एयर थ्रस्ट जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा है जो बहुत दूर तक जाता है किसी भी रूम में। ये एकदम हाई है स्पीड और देखिए इसका एयर क्वालिटी कैसा है। इसका हवा बहुत ही ठंड है और तेज भी है। तो आप इस फैन को और किसी भी पेडेस्टल फैन को मेरे जो नीचे वाला लिंक दिया हुआ है उससे खरीदे ताकि मेरे चैनल को सहायता हो जाए भाई। तो ये था ऑल अबाउट इंस्टॉलेशन। लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आपका किसी भी क्वेरी है तो भी बताए और मेरे को सोशल मीडिया में फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बगल में जो घंटा है उसको भी बजा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको जैसे पहले में बताया। तो दोस्तों अगले किसी भी वीडियो में मिलूंगा। तब तक अच्छे रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। आपका समय भी शुभ रहे। अलविदा।